ऐसे ही कुछ नज़ारे आपको सेक्टर 132 नोएडा में स्थित ओराइन प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्री पोर्ट का व्यू मिलेगा। ये पुर्तगाल में फ्री पोर्ट का रिटेल आउटलेट्स है जहाँ पे प्रीमियम ब्रांड्स आज के दिन में डिस्काउंटेड प्राइस में शो होते हैं। ये एक्चुअल व्यूज हैं। बनने के बाद आईजीआई से जेवर जाने के टाइम पे बहुत सारे लोग इस जगह में रुक के भी अपना शॉपिंग करेंगे। इनका जो टारगेट ऑडियंस है सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं, एनसीआर से ऑलमोस्ट 50, 100, 150, 200, 500 किलोमीटर के दूर में भी जो लोग हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रैवल करें वो भी आएंगे। आज इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 15 मिनट के प्रेजेंटेशन में आपको कंप्लीट आइडिया दे दूंगा कहाँ क्या क्या आने वाला है, क्या फ्यूचर का इसका प्रोस्पेक्ट है, वो सारे आपको पता चल जाएगा। इसका पहले मैं एक्चुअल जो वीडियो वो आपको दिखाता हूँ। मैं दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ ओराइन 132 कमर्शियल प्रोजेक्ट। ये 10 एकड़ जमीन के अंदर फैले हुए हैं। कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। चारों तरफ कमर्शियल हब एंड रेसिडेंशियल हब में घेरा हुआ है। इनके लगा हुआ स्टेप बाय स्टेप स्कूल और आपका जेनेसिस ग्लोबल स्कूल, समरविल स्कूल ऑलरेडी हैं। इनके जेंट्री ऑलमोस्ट प्रीमियम सेगमेंट पे माने जाते हैं जो अगले 3-4 साल के अंदर इधर शॉपिंग करेंगे। सिर्फ यही नहीं, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद से जितने भी लोग हैं जो प्रीमियम ब्रांड्स पसंद करते हैं आज के दिन में ऑलमोस्ट एनसीआर रीजन में सभी महंगे चीज़ें सस्ते में अगर मिल जाए उनके लिए दूर ट्रैवल भी करते हैं। तो आप मान लीजिए ये एकलौता लोकेशन है जो अगले 4-5 साल में एक हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन बनने वाले हैं। क्यों, इसका खासियत क्या है, क्यों दूर दराज से लोग आएंगे, इनका आरओआई क्या आ सकता है, क्यों मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 18-19% तक भी रिटर्न मिल सकता है आफ्टर पोजिशन, इनके बारे में डिटेल्स में बात किया और इसका एक आरओआई कैलकुलेशन भी लास्ट में दिखाया। उनको जरूर आप ध्यान से देखें, प्रोबेबली आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Today we will be talking about a very prominent commercial project of Orion Group named Orion 132. ये सेक्टर 132 में स्थित एक बहुत ही बेहतरीन कमर्शियल बनने वाला है जो अगले 3-4 साल में एक बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस दे देगा नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, एनसीआर में जो भी लोग रहते हैं, और एक हैपनिंग प्लेस बनेगा। क्यों बनेगा इसके डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि पहली बार इंडिया में फ्री पोर्ट आ रहा है। फ्रीपोर्ट वो कंपनी है जो हर कंट्री में एक या दो उनका रिटेल फैक्ट्री आउटलेट से प्रीमियम ब्रांड्स के जो जैसे अरमानी, गुची, वर्साची इस टाइप के ब्रांड्स में डिटेल्स में बात करेंगे। पहले इसका लोकेशन समझ लीजिए, इसका आरओआई क्या आएगा। आप मान लीजिए ये अकलौता प्रॉपर्टी हमारे रियल एस्टेट में मेरे पास आया है जो ऑलमोस्ट 18-19% पोजिशन के बाद भी रिटर्न दे सकता। दिस इज़ योर अक्षरधाम टेम्पल। आपके जो सीधे रास्ते जा रहे हैं NH-24 है जो सीधे सीधे लखनऊ तक पहुंच रहे हैं और गाजियाबाद होके, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दिस इज़ टचिंग योर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। उनके पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यमुना नदी के ऊपर जो रोड दिख रहा है आपको, ये DND है। DND भी आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में टच हो रहा है। तो इसी रोड से हम लोग सीधा सीधा चलते रहेंगे, स्ट्रेट चलते रहेंगे। तो आप इस तरफ पहला वाला सेक्टर नोएडा का राइट हैंड साइड के वो है सेक्टर 94, उसके पहले सेक्टर 14A 15, ये दो सेक्टर हम लोगों ने क्रॉस करके आए। तो दिस इज़ योर सेक्टर 94। आप इस रास्ते से सीधा सीधा चलेंगे जहाँ पे मेट्रो लाइन दिखा रहा है मेरा कर्सर, जहाँ पे इस रास्ते से चलते जाएंगे आप IGI एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं मेट्रो के थ्रू से। और राइट हैंड साइड पे ये जो रास्ता है सीधा सीधा आपका नोएडा एक्सटेंशन होते हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जा रहा है। मेरे सबसे थोड़ा आपको लोकेशंस का आइडिया आ रहा होगा। सेक्टर 94 में दो प्रोमिनेंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, एक है आपका सुपरटेक सुपरनोवा, ये जो टॉल टावर है ये जो दिखा रहा हूँ मैं, और ये उनके राइट हैंड साइड पे तीन ऊंचे ऊंचे टावर आपको दिख रहे होंगे, ATS का 9th ब्रिज। इससे थोड़ा आगे चलते जाएंगे चार सेक्टर राइट हैंड साइड पे, मतलब अगर आप दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो 124, 125, 126, 127 ये चार सेक्टर कम्प्लीटली IT सेक्टर है। इसी सेक्टर में आपका MIT यूनिवर्सिटी है। MIT यूनिवर्सिटी इंडिया का सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में एक माना जाता है। इसमें 216 कोर्सेज आज के दिन में ऑफर होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सेक्टर 44 है, इसके बाद आपको लगातार 96, 97, 98 ये तीन सेक्टर में यूनिटेक का प्लॉट है और उन्होंने टाउनशिप लॉन्च किया था जो आज के दिन में थोड़ा रुका हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया है और दे आर वर्किंग आउट टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन।
आप सामने देखेंगे राइट हैंड साइड पे आपको लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल, लेफ्ट हैंड साइड पे पाथवे स्कूल्स, मयूर स्कूल, ऐसे अलग अलग प्रोमिनेंट इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स आपको देखने को मौका मिलता है। थोड़ा आगे जाने के बाद आपका शुरुआत होता है जेपी वेस्ट टाउन का सबसे पहले वाला सेक्टर 128। ये 5 सेक्टर में फैले हुए हैं, 128, 129, 130, 131, 133 एंड 134, 132 इनके सेंटर का सेक्टर है जहाँ पे हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट आए हुए हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका होगा लोकेशंस का। ये सामने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे परिचौक की तरफ जा रहा है, तो इसी रास्ते मतलब महामाया फ्लाईओवर से 5 मिनट के अंदर आप पहुँच सकते हैं। अब इनके खूबियाँ क्या है, ऐसे कुछ नज़ारे आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये ओरायन 132 का स्ट्रक्चर है, इसके जो ग्राउंड प्लस वन रिटेल है ये सामने आपको रिटेल दिखेगा। इनके पीछे ये ऑफिस स्पेस है एंड दैट वुड बी योर स्टूडियो अपार्टमेंट। ये यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो इस टाइप का शॉपिंग एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में जो शॉपिंग मॉल में लोग शॉपिंग करने जाते हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह में एक ही होता है। आप GIP में हैं, DLF में हैं, एम्बियंस में हैं, हर जगह में चारों जो ग्लासेस फसाड है उसके अंदर आप शॉपिंग कर रहे हैं। बट एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देने के लिए इस टाइप का लुक उन्होंने दिया हुआ है। अलग अलग से कलरफुल होगा, बीच में वाटर बॉडीज होंगे, मिस्ट होंगे उस जगह में, और चारों तरफ से आपका म्यूज़िक का म्यूज़िक भी बजेंगे, साथ साथ लाइव म्यूज़िक का फंक्शन भी होंगे। तो ये ऐसे एक व्यू आपको देखने को मौका मिलेगा अगले 3 साल के अंदर। That is their layout plan। आप इस तरीके से, ये मेन रोड है, अगर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस मान लीजिए, इस तरह नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस में सीधा इस तरह से कनेक्ट करके आप इसके रिटेल आउटलेट सामने हैं, और इनके लगा हुआ आपका ये पूरा रिटेल आउटलेट्स है, और इस तरह आपका ऑफ टावर ए एंड इस तरफ टावर बी आपका जो स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहा था इसमें। आप ये जो सामने ये जो आपका वाटर बॉडी देख रहे हैं ये 3 किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये कैलकुलेशंस के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो इट इज़ नॉट ए फॉर्मल बोर्ड में बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। आप मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस स्पेस परचेस करते हैं, जिनके आज के दिन में ऑल इंक्लूसिव कॉस्टिंग बैठता है 28,50,000 रुपये। ठीक, आपको इस पर देना है 50%। अभी 50% 30 दिन के अंदर पेमेंट जाएगा आपका, जो 30 दिन के अंदर पेमेंट बैठता है आपका 14,25,000 रुपये, 14.25 लाख रुपीज़ आपने पे कर दिया। पे करने के बाद इसका अगर मंथली, अब से आपको 11% का रिटर्न शुरू हो जाएगा, तो मंथली आपका जो रेंटल आता है ऑन एन एवरेज वो 13,062 रुपये पर मंथ आपको हर महीने मिलता रहेगा। ठीक है, इन ये रिटर्न चलेगा 2 साल, क्योंकि नेक्स्ट पेमेंट जो आएगा आपका 24 मंथ्स, नेक्स्ट पेमेंट ऑलमोस्ट 10th फ्लोर पे आपका पेमेंट मांगेगा। तो इनका अगर 10th फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे है, 24 महीने का अगर आपका रेंटल आता है, दैट रेंटल कम्स आउट टू बी 3.1350 लाख। तो 3,13,000 पैसा तो आपको अभी मिल गया, मतलब 1-2 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। दिस इज़ नंबर वन। अब जब 10th फ्लोर पे पहुंच जाएगा 25% डिमांड और करेगा, तो 25% आपका टोटल बैठता है, टोटल मिला के 21,37,500। तो दैट मीन्स आपने 14-25 पहले दे दिया और ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब और पेमेंट कर दिया आपने। तो 21,37,000 जब पेमेंट किया, तो महीने का जो आपका तब रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ये 1 साल में जो आपको मिलेगा, 1 साल मिलेगा 235,125 रुपये। सो दैट मीन्स अगर टू प्रिसाइज अगर 3 साल के अंदर हम प्रोजेक्ट कम्प्लीशन मान के चलते हैं, तो आपको पहले मिल रहा है 3,13,500 प्लस इस तरह 235,125 रुपये। दैट मीन्स आपको जो टोटल 28,50,000 में देना, मतलब टोटल देना था, उनमें से ऑलरेडी आपने 5,48,000 आपको मिल चुका है। तो दैट मीन्स आप इसका टोटल कॉस्टिंग आपके पॉकेट से जो पड़ रहा है वो 23 लाख के करीब ही आपका आ रहा है, 22 लाख के करीब आपका आ रहा है, क्योंकि बाकी पैसा आपको मिल चुका है, 22,25,50,000 रुपये करीब आपका आ रहा है। नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन आप मान लीजिए प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। आज इस लोकेशन के सबसे अच्छे ऑफिस स्पेस में हमारा बिल्डिंग माना जाता है ETT टावर। इस जगह में आज के दिन में हम लोग जो रेंटल पे करें 25,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर पे फ्लैट लेकर रखा है, तब भी हमें 65 रुपये का रेंटल पर मंथ जाता है। इस जगह में एक टेक्नोवा नाम पे बिल्डिंग है, जो इस सेगमेंट पे सबसे सस्ता बिल्डिंग माना जाता है, क्योंकि उनका
जो एम्बियंस है उससे सबसे नहीं मानते, तो उनका आज के दिन में रेंटल है 40 रुपये, ये सबसे सस्ता की बात कर रहा हूँ। इनके बीच में आपको बहुत सारे बिल्डिंग 70 रुपये भी मिल सकता है, 50 रुपये भी मिल सकता है, 45 रुपये भी मिल सकता है, बट 40 से सबसे मिनिमम है। आप मान लीजिए आज से 3 साल बाद ये 40 रुपये डेफिनेटली 60 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और ये जो 65 रुपये का बिल्डिंग आज के दिन में हमारा बिल्डिंग है, इसका रेंटल भी ऑलमोस्ट 80-85 रुपये हो जाएगा। आई होप यू एग्री टू दैट थिंग। तो अगर आपका बिल्डिंग जो सामने नीचे आपका फ्रीपोर्ट जैसे इतना बड़े इंटरनेशनल ब्रांड ऑपरेट कर रहे होंगे, नीचे आपका ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वायर फीट का जो एक सिटिंग गैजेबो एरिया, ऑलमोस्ट 3 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन है जहाँ पे हर दिन बहुत सारे लोग आना जाना करेंगे और एक हैपनिंग प्लेस होगा, उसके जगह में एक न्यू कंस्ट्रक्टेड A1 क्वालिटी का बिल्डिंग जिसमें आपका 500 स्क्वायर फीट है, उनका रेंटल क्या आपका 80 रुपये नहीं होगा? अगर हम लोग 80 रुपये मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकली अगर 80 रुपये मान के चलते हैं, तो 500 स्क्वायर फीट में आपका जो रेंटल आ रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ पर मंथ, 40,000 रुपये पर मंथ, विच कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 18% ऑफ योर पेड अमाउंट, क्योंकि आपका पेमेंट गया है ऑलमोस्ट 23 लाख रुपये। चलिए 80 रुपये छोड़ दीजिए, 70 रुपये मान लेते हैं, 70 रुपये मान लेते हैं, तब भी 35,000 रुपये आ रहा है, 35,000 रुपये आपका 28 लाख रुपये लगा के अगर 35,000 रुपये आ रहा है तो भी ऑलमोस्ट 15% के करीब रिटर्न आता है। 70 रुपये भी छोड़ दीजिए, इसको 60 रुपये भी या 50 रुपये भी मानते हैं, 50 रुपये मान लीजिए, जो आज के दिन में कहीं भी इस लेवल का बिल्डिंग को मिलेगा नहीं, मतलब इस टाइप का रेंटल, 50 रुपये भी मानेंगे तब भी आपका आता है 25,000 रुपये, आपने लगाए 28,000 तब भी ऑलमोस्ट 11% के करीब रेंटल आता है। तो इससे बेहतर रिटर्न मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं मिलेगा, और साथ साथ आपका कैपिटल अप्रिसिएशन तो है ही, तो डेफिनेटली यू शुड गिव अ थॉट टू दैट थिंग। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल जॉय प्रॉपर्टी गाइड। आप अगर नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद एंड कोलकाता में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या इनके कोई अपडेट्स आते हैं, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में ऑलमोस्ट 300 के करीब वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ और न्यूज़ अपडेट्स भी बीच बीच में डालता रहता हूँ। अगर आप इस लोकेशन में कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और इन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन के मोड में हैं, आप डेफिनेटली एक बार कॉल करें, आपके एक सिंगल कॉल शायद आपके 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक भी सेविंग कर सकते हैं। For any more updates, please feel free to call us on the given number.